Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports. Tera vaada agar wafa hoga. Dekh rahe ho Bilal, kitni aasani se inhone mujhe fasadan keh diya. Sam, Maria meri biwi hai. अगर आप इससे इस हैसियत से बात नहीं कर सकती तो प्लीज इंसल्ट भी ना करें। इसके हाथों में तुम पपेट बन के रह गए हो बिलाल। पपेट तो ये पहले थे, जब आंखें बंद करके आपकी हर बात पे अमल कर लिया करते थे। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। क्या? मुझे पता है सुनने में बहुत शायद अजीब लगे, लेकिन मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना। माशाल्लाह शाजिया बेटी तो आपकी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। शुक्रिया। और माशाल्लाह से सारा भी बहुत प्यारी है, और इसकी दुआ तो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। तेरा वादा अगर वफा होगा। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। थैंक यू भाभी, हम सब बहुत अच्छे हैं। ऐसा लगता ही नहीं जैसे इनसे पहली दफा बात कर रही हूँ। तुम खुश हो, यही काफी है। वैसे बाहर भी तुम्हारी एंगेजमेंट की बातें हो रही हैं। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे हमेशा, आमीन। क्या खबरें हैं भाई? जो भी खबरें भाभी मुझे सारी दे चुकी हैं। अच्छा, क्या मतलब? कोई एतराज तो नहीं है ना तुम्हें एंगेजमेंट पर? अरे नहीं भाई, आपका और माँ का जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। हमेशा खुश रहो। अरे माँ, भाई मुबारक हो, दुल्हन तैयार। वाकई? अरे तो जीती रहो बेटा। अरे अरे, आप अभी से इतनी जज्बाती हो रही हैं, रुखसत कैसे करेंगी? बेटियां तो पैदा होते ही पराई हो जाती हैं अली, ये तो बस हमारे पास अमानत के तौर पर रहती हैं। वाह, अभी तो ऐसी बातें ना करेंगी। अच्छा सुनो, परसों फहमीदा की तरफ जाना है, तो मैं ऐसा करना ऑफिस से ऑफ ले लेना। अरे माँ, ऑफ ही ऑफ है, आप परेशान मत हो। मैं तुम्हारी इस बात का मतलब समझी नहीं अली। मतलब ये कि सारा के लिए जॉब से ज्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है, इसलिए आप फिक्र ना करें। लगता है कि माँ की कोई अहमियत नहीं रही तुम लोगों की नजर में। ना तो सारा मेरा फोन उठा रही है, और ना ही तुमने इतनी जहमत की कि माँ का फोन उठा लो। काम करने जाता हूँ, फोन उठाने नहीं। वैसे भी कोई फरमाइश करनी होगी। फरमाइश तुम पूरी करोगे? इतना दमखम तो है नहीं तुम में कि माँ की फरमाइशें पूरी करो। यहाँ जरूरतें पूरी करने की तो औकात है नहीं तुम्हारी। चलो मुझे बातें सुना ले। अम्मी, औकात के बारे में कोई बात ना कर, वरना क्या करोगे तुम? शायद मेरा दिल तो करता है कि मैं थप्पड़ मार मार कर ना तुम्हारा मुंह लाल कर दूं, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। क्योंकि जब औलाद का कद बड़ा हो जाता है तो उसे माँ बाप छोटे लगने लगते हैं, फिर कहाँ बर्दाश्त होगा उठावा हाथ। तो क्या चाहती हैं अम्मी? कोशिश कर तो रहा हूँ पैसे जमा करने की। तुम्हारी कोशिशों में सारा वक्त निकल जाएगा, और इरफान सर पर आकर खड़ा हो जाएगा जैसे आज आया था। क्या मतलब? वो यहाँ इस घर में आया था? ना सिर्फ आया था, बल्कि धमकी देकर क्या है कि अगर बर वक्त तुमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो अगले ही दिन आकर इस घर से सारा सामान उठाकर बाहर फिकवा देगा। ऐसे कैसे फिकवा देगा भाई? मैं बात करूंगा उससे। बातों से नहीं मानने वाला, उसे सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है। अरे तो कर तो रहा हूँ कोशिश अम्मी, बताया है आपको कि अभी स्टॉक मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, मैं चाह के भी नहीं निकाल सकता। शायान मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर हमारे सर से ये छत छिन गई तो हम फिर से फाकों पर आ जाएंगे, क्योंकि अगर सारा को ये बात पता चल गई तो वो हमसे पीछे हट जाएगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके ये मसला खत्म करो। आपको क्या लगता है ये सब मैं जानबूझकर कर रहा हूं? मुझे कुछ नहीं सुनना शायान, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, और मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मैं बेआसरा हुई तो खुदा की कसम सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी मैं।
आपने और अम्मी ने एंगेजमेंट का फैसला कर लिया, हानिया से तो किसी ने पूछा भी नहीं। तुम्हें लगता है कि हमारे खानदान में लड़कियों की राय को कोई अहमियत दी जाती है? फिर भी अगर हानिया ने हमजा से कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, हमजा से कैसे बात करेगी? मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे? मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने सुना। क्या सुना? हानिया सारा से कह रही थी कि वो हमजा से बात करना चाहती है। तो जब सुन रही थी तो सारा को वहीं क्यों नहीं टोका तुमने? साफ साफ कह देना था कि शादी से पहले मेल मुलाकात उनके घरों में होती होगी। हमारे खानदान में ऐसी कोई रवायत नहीं है। शहीर, आपको क्या लगता है मैंने सारा से नहीं कहा होगा? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मैंने तो सारा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लेकिन क्या? उसने मेरी बात को अहमियत ही नहीं दी। कहने लगी कि जमाना बदल गया है। जमाना जरूर बदला है, लेकिन हम नहीं बदले हैं। मां से बात करूंगा मैं। फिर कैसा दिन गुजरा आज का? बहुत अच्छा। हाँ, मुझे अंदाजा था। सच बोलूं तो तुम्हें घर में इतना बिजी देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे भी बहुत लगा, लेकिन ये सब कुछ वक्त ही है ली। मुझे एक बात बताओ, तुम माँ को अपनी जॉब के बारे में क्यों नहीं बता देती हो? छुपा क्यों रही हो? इस पे मसला क्या है? मसला है ना अली, उन्हें कहीं ये ना लगे कि अब मैं फुल टाइम घर को दूंगी। पहले ही इतनी मुश्किल से राजी किया था उन्हें हमने जॉब के लिए, अब फिर से वो सब कुछ मैं नहीं फेस कर सकती। इसलिए बेहतर है कि उन्हें मेरी जॉब का ना ही पता चले। एक बात पूछूं? हजार बातें पूछे, मैंने कभी मना किया आपको? मैंने नोटिस किया है कि कभी तुम अपने घर की परेशानियों में फिक्रमंद रहती हो और कभी माँ को खुश करने की फिक्र तुम्हारे सर पे सवार होती। कभी हमारे बारे में सोचा? हमारे बारे में बच्चों? मैं समझी नहीं, आपको कोई शिकायत है मुझसे? कोई शिकायत नहीं, तुम तो बहुत ख्याल रखती हो मेरा, बहुत प्यार करती हो मुझसे। बस कमी सी है। कैसी कमी? तुम्हें नहीं लगता शादी के बाद हम दोनों ने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा एक साथ? अरे यार, अब भी नहीं समझी तुम, मैं हनीमून पे जाने की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया अली, अब तो हमारी शादी इतनी पुरानी हो गई है। शादी पुरानी हो गई? क्या हो गया, कितने साल गुजर गए हैं? और वैसे भी अगर 50 साल भी गुजर जाएंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ ट्रिप्स प्लान किया करूंगा। सबसे दूर जहां सिर्फ तुम और मैं हो। अच्छा बताओ ना, कहां जाना है? अली अजीब नहीं लगेगा? कुछ अजीब नहीं लगेगा, तुम इन बातों के बारे में सोचना छोड़ दो और मुझे ये बताओ कहाँ चले। नॉर्दर्न एरियाज। परफेक्ट चॉइस, डन। मैं एजेंट से कहता हूँ हमारी टिकट्स और बुकिंग कर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मम्मी, किसकी कॉल थी? कमेटी वाली फोन कर करके जान पर आई भी है, दिमाग खराब करके रखा हुआ उसने मेरा। एक सारा है, जरा परवाह नहीं उसे माँ की नाराजगी की। मियां बापी से क्यों नाराज? बीबी तुम अपने काम से काम रखो, पूरी कहानी सुनाने का तुम्हें ना तो मेरा कोई इरादा है
और ना ही इसका मुझे कोई फायदा है। जाओ जाकर किचन देखो। कहां सवारी जा रही साहब की? वो काम से जा रहा था। शाम को मेरी दवाइयां लेते आना। अम्मी मेरे पास पैसे। एक तो ये राग अलापते अलापते तुम नहीं थकते मगर मेरे कान पक चुके हैं ये सुन सुनकर। तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अब ये झूठ और सच तो तुम ही जानो मगर मुझे शाम में मेरी दवाइयां चाहिए। सारा को कह देना। उस पर भी तुम्हारा ही असर हो चुका है। बेफिक्र हुई बैठी है मैं कैसे हूँ। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो ना तो शाम में दवाइयां लाकर दे देना वरना कफन दफन का इंतजाम कर लेना तुम भाई बहन मिलकर मेरा। कहां से इंतजाम करूं पैसों का? कहाँ शायन? बोलूं क्या बात है? दरअसल बहुत दिनों से आपके पास चक्कर लगाना चाह रहा था अली भाई, लेकिन क्या करूं हिम्मत ही नहीं हुई आपसे मिलने की या सॉरी कहने की। मुझे बिल्कुल भी आपसे इस तरह बात करनी नहीं चाहिए थी। देखो शायद मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था मैंने भले के लिए कहा था और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी यही लगा। लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसी टेंशन्स चल रही थी कि बिना कुछ सोचे बिना समझे जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। उसके लिए अली भाई आई एम सॉरी, मैं हाँ हो गया तुम्हें, प्लीज ऐसे मत करो। ऐसे करके तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस मेरे लिए यही काफी है। चलो छोड़ो इस बात को। मुझे ये बताओ तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज का काम कैसा चल रहा है? स्टॉक मार्केट का तो आपको पता ही नहीं भाई, सारा पैसा फंस चुका है, कुछ भी नहीं बचा। सारा भी शायद मसरूफ है, अम्मी ने बहुत दफा उसे कॉल की लेकिन उठाई नहीं उसने। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे तभी कुछ भी नहीं भेजा उसने। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं, बहुत मजबूरी अली भाई। अम्मी की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाते, उधार सिर्फ उधार में। शायान शायान क्या हो गया यार, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? एक मिनट रुको। ये लो आंटी की दवाइयों का बंदोबस्त करो और अगर और पैसे चाहिए हो तो फौरन मुझे बता देना, ठीक है? चलो। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही मुझे मेरे पैसे वापस मिलते मैं फौरन आपको दे दूंगा। पैसों की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। दावाद नहीं बेटा हूं मैं इस घर का, पर एक बेटा होने की हैसियत से अपने फराइज निभा रहा हूं। लेकिन तुम्हें मैं एक एडवाइस दूंगा, जितनी जल्दी हो सके ये स्टॉक मार्केट के चक्कर से बाहर निकलो। बहुत से लोग मेरी आंखों के सामने बर्बाद हुए हैं इसमें, इसके बजाय कोई ढंग की जॉब करो, कहीं सेटल हो। एक दफा मेरे पैसे निकल आए अली भाई, मेरे बाप की तौबा मैं ऐसा कोई काम करूं। चाय पियो, ठंडी हो रही है। अरे सारा क्यों फुआरे करती हो? नसरीन है ना ये सारे काम देखने के लिए। भाभी मुझे तो हमेशा से कुकिंग का शौक था, वो तो जिंदगी में ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला कि मैं शौक पूरा कर सकूं। ऑफिस से इतनी थकी हुई आती थी कि हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ करने की। ऑफिस से मुझे ख्याल आया तुमने आज फिर ऑफ ले ली। जी मैंने ऑफ लिया है कुछ दिनों का। लेकिन क्यों, अभी तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि तुम छुट्टियां करो। मेरा मतलब है जल्द हानिया की शादी होने वाली है
उस वक्त भी तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। ये ना हो कि बाद में ऑफिस से कोई मसला आ जाए तुम्हारे लिए। नहीं, कोई मसला नहीं होगा, होगा भी तो मैं मैनेज कर लूंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है भाई तुमने मेरा फोन उठा लिया, वरना मैंने तो एहतियातन फरा का भी फोन साथ रखा हुआ था। अम्मी मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, ना करें। शर्मिंदा हो मगर नाराज माँ को मनाने का ख्याल नहीं आया तुम्हें, है ना? अम्मी मैं बिजी थी। कहाँ मसरूफ हो सारा, जो तुम्हें ना तो माँ का कोई ख्याल है ना ही घर की जिम्मेदारियों का। आपको बताया तो था हानिया को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ पता है पता है, लेकिन क्या आप अपनी नंद के पीछे लग के बाकी सब कुछ भूल जाओगी? तुम शायान को कहा है मैंने दवाइयां लाने का, अब पता नहीं वो लाता भी है कि नहीं। और हाँ, इस वक्त तुम्हें इसलिए फोन किया है कि वो कमेटी के पैसे तो भिजवा दो, उस औरत ने फोन कर करके मेरी जान खाई। अम्मी अभी सैलरी में कुछ दिन बाकी हैं। अरे भाई पहले भी तुम कुछ ना कुछ करके हाथ पर चला लेती थी ना, कुछ ओवर टाइम कर लो। अम्मी मैं ओवर टाइम कैसे करूं, मुझे घर को भी देखना होता है। अच्छा ससुराल की इतनी परवाह? वाह भाई सारा, बड़ी जल्दी हाथ उठा लिए तुमने घर की जिम्मेदारियों से। अम्मी मैंने हाथ नहीं उठाए, जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है मैं आपको पैसे। हेलो बाजियां सुन लो सबकी, क्या हुआ? ऐसे ही टेंशन हो रही है। कैसी टेंशन, कुछ बताओ। भी तो अभी तक अम्मी को जॉब का बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखो मेरा ख्याल है सारा कि तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए, वो और परेशान हो जाएंगी अली। हाँ लेकिन सच छुपाना मसाइल का हल तो नहीं होता, और ये भी तो हो सकता है कि जब उन्हें ये पता चले कि तुम्हारी जॉब छूट गई है तो वो शायान को प्रेशराइज करें। शायान वो प्रेशराइज होने वालों में से नहीं है, अपनी धुन का पक्का है, जो उसके दिमाग पे सवार हो जाए ना वही करता है वो। हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो बदल गया हो, लोग बदलते भी हैं वक्त के साथ, जैसे आज वो ऑफिस भी आया था, वो मुझसे अपोलोजाइज करने के लिए। इतने दिन बाद एहसास हुआ उससे माफी मांगने का? यही तो मैं कह रहा हूँ, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें वक्त लगता है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने में, शायान भी उनमें से एक। इसलिए बस अब तुम अपने घर की फिक्र करना छोड़ दो। मैं बेफिक्र नहीं रह सकती अली, मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मरी ना जाओ कहीं मैं हैरत से। चलो जी एक तो काम करो और फिर भी ताने सुनो। ये रखें, और अब ना कहना कि हथेली पे पैसे नहीं रखे थे। ये कहां से आया तुम्हारे पास? अरे अम्मी आम खाए, पेड़ क्यों गिनती? कहीं फिर से कोई चोरी चकारी तो नहीं की तुमने? अरे नहीं भाई, उधार लिया दोस्त से। आपकी बेटी जैसा बेहस नहीं हूं जो अपने घर में बैठ के ऐश कर रही। खाने का जायका आज कुछ अलग से है। कैसे रहो माँ? आपकी बहू ने इतने प्यार से जो बनाया। वैसे खाना वाकई बहुत मजे का है। हाँ मजे का तो है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है ना? बिल्कुल भी नहीं, सब चीजें तो काफी बैलेंस है। नहीं माँ इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेती। तुम भी कभी खाना बना लो तो तुम्हारी भी तारीफ हो जाएगी।
कल ना हमें फहमीदा की तरफ जाना है। जो ठीक है, लेकिन आप उनको एक बात समझा दीजिएगा कि शादी से पहले हानिया और हमजा के दरमियान कोई बातचीत का सिलसिला ना बने। किसे समझाने की बात कर रहे हो तुम? भाई क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की है, और तुम हमारी खानदान की रवायत से अनजान तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल अनजान नहीं हूं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि जिस जमाने में हम रह रहे हैं, यहाँ शादी से पहले अगर लड़का लड़की की जरा सी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कोई बुरी बात नहीं होती है। देख रही हैं आप इसे, किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या हो गया, तुम दोनों को बहस क्यों कर रहे हो? बहस नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बात है वो कर रहा हूँ। ऐसा आज तक खानदान में नहीं हुआ है हमारे। अगर आज तक नहीं हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि आज के बाद भी नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं कहेंगे इसको? आजकल के जो हालात है उसमें मामूली बात है शहीर, ये मामूली सी बात नहीं है। तुम इस बहस में मत पड़ो, इसका हल सोच लिया है मैंने। सब लोग खाना शुरू करें। मारिया, मारिया, बिलाल, बिलाल इधर आओ। क्या क्या हुआ इसे? इतना नहीं। मारिया, इधर इधर बैठो, इधर बैठो। अचानक चक्कर आ गए। आराम से, आराम से। क्या हुआ? सब खैर है? सारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ जाना इतना जरूरी है जहाँ तुम नगीन के साथ नहीं जा सकती? तेरा वादा अगर वफा होगा। शुक्र है खाना आ गया। बहन के साथ बैठना तो क्या, आप खाना खाना भी गवारा नहीं। आपके साथ बैठने में कोई इशू नहीं है सैम, लेकिन आप जो तंज मारती हैं मारिया पर वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मारिया, मारिया, बिलाल, बिलाल इधर आओ। क्या क्या हुआ इसे? इतना नहीं। मारिया, इधर इधर बैठो, इधर अचानक चक्कर आ गए। आराम से, आराम से। क्या हो? सब खैर है? अचानक से अजीब सी तबीयत हो गई है। उफ, अस्पताल ले चलो मुझे बिलाल। मैं भी चलती हूँ तुम दोनों के साथ। कोई जरूरत नहीं आपको चलने की, मेरा शौहर है मेरा ख्याल रखने के लिए। मारिया, सैम को साथ ले चलते हैं। नहीं, मैं और तुम साथ चलेंगे बस। तुम उसे ले जाओ। मैं एक मिनट आया। नफरत तो मुझे तुमसे करनी चाहिए, और तुम हो के? ठीक है, मुझे कुछ नहीं सुनना इस वक्त, आप जाएं यहाँ से। इन्हीं क्या वो साथ ना ले जाने पे अना का मसला बना लिया, बातें सुना के चली गई मुझे। इसलिए तो कहती हूँ बिलाल, अपना घर हो ना तो ये सब सुनना ही ना पड़े। कर रहा हूँ ना उसका इंतजाम भी। चलो अभी तो चलो, उठो, चलो उठो, उठो, आ जाओ। नहीं जल्दी नहीं आती सब, चलो। जी जी, मैंने सीवी सेंड की थी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू, लाफ़स। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? इंटरव्यू की कॉल थी यार। अभी नहीं पढ़ो ना इन चक्रों में। मैं यार ट्रिप प्लान कर रहा हूँ और तुम हो कि रोबोट्स की तरह फिर से जिम्मेदारी अपने सर पे ले रही हो। अली, अभी सिर्फ इंटरव्यू की कॉल आई थी, जॉब नहीं मिली जो इतना जज्बाती हो रहे हैं। अच्छा सर, छोड़ो, देखो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर तुमने जाना है। देखो अरे, अच्छा मुझे याद आया, बल्कि हानिया और हमजा की बात हुई है क्या? क्या हुआ?
इतनी परेशान क्यों हो गई हो, इतनी घबरा क्यों रही? अली वो हानिया काफी कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने हमजा को उसका नंबर दे दिया। वो अब वो काफी रिलैक्स और खुश है। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों कह रही? कहना ही है तो कुछ और कहो। क्या कहूँ, ये भी बता दें। बता कर के हलवाने का कोई फायदा नहीं। आई लव यू, क्योंकि आप मुझे समझते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तुम तो डॉक्टर के पास गए थे, मेडिसिन की जगह मिठाई ले आए। मेडिसिन छोड़ी और मिठाई खाई है। आप पप्पू बनने वाली हैं। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। मारिया कहाँ है? मारिया अपने कमरे में। असहम अभी रहने दीजिए, वो आराम कर। खुशी का मौका है, साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। डॉक्टर ने उसे आराम करने का कहा है। और क्या, सब खैरियत है ना? और स्ट्रेस से भी दूर रहने का कहा है। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं मारिया को स्ट्रेस देती? वो मुझे परेशान नहीं करती। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता सैम, बस रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन सब इश्यूज को बुलाकर उसका ख्याल रखिएगा। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं मारिया की नजरों से दूर रहूं ताकि उसे स्ट्रेस ना हो? सैम प्लीज, जब तक हम साथ रह रहे हैं आप ये सब इग्नोर नहीं कर सकती। बिलाल इस वक्त मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। सैम कम, जाओ बिलाल। कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ लेना प्लीज। आपने पहले ही इतना तकल्लुफ कर दिया, इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? अरे कहाँ, मैं तो इतनी खातिर मदारात कर ही नहीं पाई जितनी माशाल्लाह से सारा ने की थी। अरे आंटी, मैंने कुछ खास भी नहीं किया था। भाई सच्ची बात है शाजिया, आपके खुलूस और हानिया की मोहब्बत ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। हम तो तरसते हैं वहाँ पे ऐसी अपनाइयत को। भाई अब और इंतज़ार नहीं होगा हमसे, ऐसा करते हैं जल्द अज जल्द मंगनी की रस्म अदा कर देते हैं। मंगनी क्यों, निकाह ही कर देते हैं ना, बरकत भी है इसमें। ये बात भी ठीक है, निकाह की तारीख तय करते हैं, हम भी यही चाहते हैं। शहीर बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? आपके किसी फैसले पर पहले कभी एतराज किया है मैंने? चलें ठीक है, फिर निकाह का दिन और तारीख तय कर लेते हैं। ये ले, आपकी लाडली ने भिजवाए हैं।
इससे क्या होगा? ये तो आप सारा से पूछे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये पैसे तो कमेटी में चले जाएंगे, बाकी घर के खर्चों का क्या करूं? अम्मी आप कमेटी वाली से फेवर ले लेना, उससे कहे कि जरूरत है। अरे बेटा एक कमेटी दो बार कैसे मिलेगी? अम्मी आपने कमेटी ले ली? हाँ भाई, कुछ मारिया की शादी में खर्च हो गए, बाकी घर के खर्चों में निकल गए। अब हाथ में पैसे हो तो बचते थोड़ी हैं। तुम ऐसा करो अपने ऑफिस वालों से ना एडवांस सैलरी ले लो, वैसे भी तुम्हारी पुरानी नौकरी है। अम्मी मेरी जॉब तो खत्म हो गई है। क्या अम्मी कैसे चली गई नौकरी? तुम्हारी तो इतनी पुरानी जॉब थी। अम्मी प्राइवेट जॉब में नया पुराना कुछ नहीं होता, जरा सी गलती हो जाए तो जॉब से निकाल देते हैं। मगर तुम्हें उनसे बात तो करनी चाहिए थी ना बेटा। अम्मी मैंने मिन्नतें की थी अपने बॉस की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या होगा, घर के खर्चे कैसे चलेंगे? अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, एक दो इंटरव्यूज हैं, बस आप दुआ करें कि मुझे जॉब मिल जाए। ओ, तो तुम झूठ बोल रही थी कि तुम ऑफ करके बैठी। भाई अब क्या खरीद लिया बिलाल ने जिसकी खुशी में तुम इतनी मिठाई खरीद कर ले आई? कुछ खरीदने की खुशी में नहीं अम्मी, खुशखबरी देने के लिए मिठाई लाई हूँ। कैसी खुशखबरी? ठाई आप नानी बनने वाली हैं। लगता है तुमने माँ को मारने का पूरा इरादा कर लिया, सारी मिठाई ठोस दी मेरे मुंह में। अम्मी ये तो लगता है कि आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इंसान को जब चारों तरफ से परेशानियों ने घेरा हुआ ना तो उसे खुशियां भी कांटा बन के चुभती हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई अम्मी। मारिया तुम तो हमारे बगैर खुशियां मना सकती हो, मगर मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मेरे सर पर तो हर वक्त फिक्र ही सवार रहती है। अब कौन सी आफत आ गई है अम्मी? सारा की जॉब चली गई है। क्यों? जब ससुराल के पीछे हर वक्त छुट्टियां करती रहेगी तो कौन बर्दाश्त करेगा। चले अच्छा है, अब अगर घर में बैठी है तो उसे फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। जरा पूछूं तो क्या प्लान्स हैं उसके? क्या कर रही हो तुम, सारे जमाने में ढंडोरा पीटोगी? इसमें ढंडोरा पीटने वाली कौन सी बात है अम्मी, अपनी बहन को बता रही हूँ। कोई जरूरत नहीं अभी सारा को कुछ बताने की। क्यों, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? देखो बेटा, पुराने वक्तों में ऐसी बातों को बहुत छुपाया जाता था। खुदा ना खास्ता किसी की बुरी नजर लग जाए तो बड़ी परेशानी होती है। सारा कोई गैर नहीं है, बहन है मेरी। तुम्हारी बहन है लेकिन बात सिर्फ उस तक थोड़ी रहेगी, वो अपनी जिठानी को बताएगी और तुम तो जानती हो कि नगीन बेचारी अभी कितने बड़े गम से गुजरी है। डरती हो कि उसकी हसद खुदा ना खास्ता किसी आग की तरह ना लग जाए। क्या करूं, कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं। पहले ही सारा जॉब छोड़े बैठी है, खुदा ना खास्ता उम्मीद से हो गई तो फिर हमारी सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। भाई अगले जुमे मैंने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मुझे लगा कि पहले मंगनी होगी। नहीं, मंगनी मुझे पसंद नहीं है, और वैसे भी अभी सिर्फ निकाह तय किया है, रुखसती तो मैं तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद करूंगी। से वक्त बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है, इकलौती बेटी जो है मेरी। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं और सारा मिलके सारी तैयारियां कर लेंगे। लेकिन सारा का तो ऑफिस का मसला होगा ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं होगा, सारा ऑफ ले लेगी, है ना सारा? कोई इशू तो नहीं है ना ऑफिस से छुट्टी लेने में? जी जी, नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। तो बस ठीक है, फिर तैयारियां शुरू करो जल्दी से।
कैसी हो? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूजन कैसी? मुझे लगा था कि अभी सिर्फ एंगेजमेंट होगी, लेकिन निकाह। निकाह हो या एंगेजमेंट, एक ही बात है, तुम्हें नाम करना है बस। और बाय द वे, मैं तुम्हारी कंफ्यूजन कहीं बढ़ा ना दूं। क्या मतलब? अभी भी कुछ है जो आपने नहीं बताया? मैं चाहता हूँ कि हम हमारे निकाह की शॉपिंग एक साथ करें, तुम्हारी पसंद से। अरे नहीं हमजा, माँ और भाई वो नहीं मानेंगे। माय डियर हानिया, मुझे अपनी बात मनवाना आता है। हमजा नाइस, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना, एक दफा फिर से बोलना। हमजा क्यूट यार, तुम तैयार है ना? हम शॉपिंग साथ ही करने जाएंगे। ओके ओके बाय। हमजा आप मेरी बात तो सुने। हमजा क्या बात है, सोए नहीं तुम अभी तक? बेटा शादी में अभी 3-4 दिन पड़े हैं। ओह, ये दिन ही तो नहीं गुजर रहे मॉम। हाँ मिस्चीवियस बॉय, कैसी बातें कर रहे हो मॉम से? आप मेरी मॉम नहीं, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। वो तो मैं हूँ। और बेस्ट फ्रेंड से कुछ भी नहीं छुपाया जाता। बाय द वे, आपको मेरा एक काम करना है। अब क्या काम है बाबा? मैं चाहता हूँ कि मैं निकाह की शॉपिंग हानिया के साथ करूँ उसकी पसंद से, और आंटी को बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। मुझे नहीं लगता शाजिया इसके लिए एग्री होगी। शी इज काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल बेटा। उन्हीं को बनाने के लिए तो आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो हानिया को झूठ बोलकर भी ले जा सकता था। क्यों अपने निकाह के पीछे पड़े हो? शाजिया या शहीर में से किसी को पता चल गया ना तो मसला खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मसला ना हो तो आप परमिशन दिलवाएं, बिकॉज अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेल, कितने तेज हो गए हो तुम हमजा। आपका बेटा हूँ, कुछ असर तो आएगा। पर प्लीज आप बात करें उनसे, परमिशन ले। चले। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ फहमीदा, तुम तो जानती हो हमारे खानदान के रिवाज को। ये सब हमारे वक्तों की बात थी शाजिया, अब नया दौर है, इसके तकाजे कुछ और हैं, बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। कर लेने दो इनको अपनी खुशी पूरी, क्या हर्ज है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का मान रख भी लेती हूँ, लेकिन मैं हानिया को अकेले जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। सारा या नगीन में से उसके साथ कोई हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। चलें, आपने मेरी इतनी बात मान ली, यही काफी है, बहुत शुक्रिया। ये कहाँ जा रही है इस वक्त? ओह, यकीनन इंटरव्यू के लिए जा रही होगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, फुप्पो का फोन था? हाँ वो हानिया और हमजा को साथ शॉपिंग के लिए जाने के लिए कह रही थी। क्यों, फुप्पो तो सब कुछ जानती है फिर भी ऐसी फरमाइश कर रही है? अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं मामा से कहूंगी, वो फुप्पो से बात कर लेंगे। भाभी रहने देना, दोनों अपनी पसंद से साथ में शॉपिंग कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। सारा तुम हमारे खानदान की नहीं हो, तुम्हें नहीं पता हमारे रिवाजों का। अम्मी मैं मामा से कहूंगी, वो हैंडल कर लेंगे। नहीं नगीन, जरीन से कहने की जरूरत नहीं है, मैंने फहमीदा को हाँ कह दिया है। सारा और अली चले जाएंगे ना उसके साथ। देख लें अम्मी, आप आज एक फरमाइश पूरी कर रही हैं, कल को वो दोबारा से फिर कुछ कह देंगी। नगीन कल की कल देखी जाएगी। अम्मी बस इस बात पर और बहस नहीं। ठीक है, जैसा आप कहें। आंटी मैं, अम्मी आप वो अगर आपको इतराज ना हो तो मैं और सारा साथ शॉपिंग पे चले जाएं। हाँ भाई मुझे क्यों एतराज होगा, जाओ तुम दोनों साथ। आंटी मैं अभी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, तुमने तो ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है ना? हाँ सारा चलो ना, अकेले शॉपिंग बिल्कुल नहीं होती, और वैसे भी तुम्हारा शॉपिंग सेंस तो ज़्यादा अच्छा है ना। क्यों अम्मी
ठीक कह रही हो ना? हाँ ठीक तो है, तुम दोनों साथ जाओगे तो तुम दोनों की राय से अच्छी सी शॉपिंग हो जाएगी। आंटी मैं भी नहीं जा सकती, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है और लेट हो जाएगा, मुझे फौरन निकलना है। कहाँ के लिए देर हो रही है तुम्हें? सारा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जाना इतना जरूरी है जहां तुम नगीन के साथ नहीं जा सकती? तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरी मेहंदी में इतना रंग, देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ A Sports पर एक्सक्लूसिवली।